सेवा और सिद्धि के, चार साल समृद्धि के। जब भी हिमाचल आने का मौका मिलता है और जैसे ही आप लोगों के बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि अपने घर आ गया। देश के प्रधानमंत्री का सानिध्य पाकर प्रत्येक हिमाचलवासी भीतर तक प्रफुल्लित हो जाता है। बीते चार वर्षों में हिमाचल सरकार ने नेक नियत और ईमानदार प्रयास से कई महत्वाकांक्षी गंतव्य पार किए। शीर्ष नेतृत्व से मिली प्रेरणा से जयराम सरकार ने जन कल्याण की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि प्रदेश का हर व्यक्ति विकास यात्रा का भागीदार बना और हिमाचल बड़े बड़े राज्यों के लिए मिसाल बना। बीते चार वर्षों में हिमाचल प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनकर उभरा। प्रदेश में 141,254 किसान प्राकृतिक खेती का लाभ उठा रहे हैं। प्राकृतिक जैव संसाधनों का अधिकतम प्रयोग कर कम पानी व कम लागत में अच्छी पैदावार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत संबंधित मालिकों को स्वामित्व प्रदान करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे व्यवसायियों को जीवन यापन में मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण से सबका अपने घर का सपना साकार हो रहा है। अब मिलते हैं तारा देवी से, जो हिमाचल के एक गाँव में रहती हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना का संबल है उनके पास। जयराम सरकार के अनूठे कार्यक्रम जनमंच के माध्यम से घर द्वार के समीप और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 से घर बैठे ही जनता की अनेक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना तथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना युवाओं के नायाब आइडियाज के अनुरूप रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित कर रही है। प्रदेश में चार वर्षों में गांव-गांव सड़क सुविधा से जुड़े आधारभूत ढांचे का विकास हुआ, गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित हुई और युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया गया। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश का कोना कोना सुखद बदलाव का साक्षी बन रहा है। मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में सरकार के प्रयासों तथा जनता के सहयोग से कोरोना महामारी के नियंत्रण में भी हिमाचल अग्रणी रहा। पूरे प्रदेश में चलाए गए दुनिया के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली व दूसरी डोज देने में हिमाचल देश का पहला राज्य बना। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। छेरिंग डोलमा तथा प्रदेश की अन्य महिलाएं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना का लाभ उठा रही है। लकड़ी पर इनकी निर्भरता समाप्त हुई। पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल का योगदान बढ़ा। हिमाचल देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना। जो लोग धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, वे अब आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर का लाभ उठाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हिमाचल में अब एम्स का सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ ओपीडी की सुविधा का लाभ क्षेत्रवासी उठा रहे हैं। स्वच्छ जल भी अब नल से घर घर पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन का संकल्प अब सिद्धि के करीब है। हिमाचल तय लक्ष्य से आगे चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा देश व प्रदेश को समर्पित अटल टनल इंजीनियरिंग की नायाब मिसाल है। पहली बार वर्ष 2019 में प्रदेश में व्यापक निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब अजमाइए, हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप फलेंगे फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे, हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसी वर्ष संपन्न हुई और आज 27,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रदेश की मजबूत आर्थिकी का सशक्त पायदान साबित होगी। देश के प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास को अमली जामा पहनाता है राज्य हिमाचल प्रदेश, तभी तो सबसे खास है। पग पग थामे प्रगति की डोर, चला हिमाचल शिखर की ओर।